अच्छी लगी मतलब तो ईशा के बाद मनारा तो आपकी नेक्स्ट कुछ आई डोंट थिंक बट यू वोंट माइंड ईशा के साथ खुश हूँ और बहुत ही खुश हूँ मतलब और कोई मुझे दिखता नहीं उसके अलावा और अगर दोस्त कह सकता हूँ तो अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है ईशा से तो मनारा आपको मदद करती है तो मनारा के साथ देयर वुड बी अ फ्यूचर यू विल नो आई डोंट थिंक मेरा ईशा के साथ ब्रेकअप होगा एंड जो चीज़ हुई नहीं उस चीज़ के बारे में बात अब मुझे बताओ या तो आप यहाँ पर रियल या आप घर के अंदर रियल मुझे बताओ आप कहाँ पर रियल हैं आपने बोला कि आपने गलत किया अगर उसने थप्पड़ मारा था वो भी तो रियल ही था उसको थप्पड़ मारना था बट रूल्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही नहीं things which were happening बहुत ही जल्दी आपने तो इमरान हाशमी को फेल कर दिया पीपल आर सेइंग दैट सोच रहे इमरान हाशमी के साथ तेरे चुम्मे चवनप्राश है शायद तो वांट टू नो क्या था ये अंडर द शीट्स अ लॉट ऑफ वेट साउंड्स हम सुन पा रहे थे देखिए मेरे हाथ उठाओ यहाँ से लेकिन प्यार करने का तरीका है आप अगर प्यार मौका है वारदात पर पप्पी हग किस या जो भी आप कहें तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है ईशा को करते होंगे शायद मिस उमड़ उमर कर दी हैं जिन्होंने किस से आदि वेलकमिंग यू समर्थ चेन फिल्मी गान हाउ यू आई एम गुड टू फर्स्टली टेल मी हाउ द जर्नी वाज मीटिंग योर गर्लफ्रेंड है ना जिसके लिए आपने दुनिया से लड़ाई की और वहां पर गए हालांकि उन्होंने पहचानने से भी मना कर दिया था तो फर्स्ट थॉट ऑफ समर्थ क्योंकि जाने से पहले भी जब हमने इंटरव्यू किया था यू वर लाइक कि आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट ईशा बट आई विल सपोर्ट हर व्हाटएवर द वे शी इज टेल मी दैट अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा बिग बॉस में सबसे पहले तो बहुत अच्छा था गए थे उसने डिनाई कर दिया नाराजगी थी मेरी लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो एक्सेप्ट कर लेगी बिकॉज आप घबरा जाते हो डर जाते हो वो डरी घबराई दिखा शक्ल पे कि अभी क्या बोलूँ मैं फफल गई वो समझ में नहीं आया उसको लेकिन ठीक है बाद में उसने एक्सेप्ट किया जब उसको लोगों ने समझाया तो और मुझे पता था मैं कहा क्या मेरे पास आके बोल भी रहे थे कि भाई वो मान गई है जा मेरा हाँ ओके मैं कर लूँगा बात ठीक है तो ठीक था मैं ओके था एंड ईशा से मिला सबसे मिला बहुत मज़ा आया सलमान सर से मिला बहुत मज़ा आया यस लेकिन सबसे कमाल बात जो है वो हम जो इस साल बात भी कर रहे थे कि यार इस साल ना कोई कॉमेडी कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा अर्चना थी मनीषा भी थी बिग बॉस में लेकिन यू डिड दैट फॉर अस है ना यू वर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हाँ ऑफ कोर्स यू एक्चुअली था मुझे तो पता भी नहीं था कि बाहर ऐसा हो रहा है एंटरटेन कर रहा हूँ फीडबैक्स पे पता चल जाएगा लोगों ने ये भी बोला कि इसको अंदर ड्रग्स कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई हमेशा तत्पर तैयार रहता है फर्स्ट डे भी बोल दिया था अरुण ने कि यार ये वॉशरूम से निकला तो मेरे को ना साइनिस है पर मैं टॉवल भी यूज करता हूं ऐसा ऐसा करके आया क्या करके आया तू क्या खींच के आया भाई अच्छा है वो देख लगता होगा भाई क्या अंदर सप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है आर यू फीलिंग बैड दैट यू आर आउट ऑफ कोर्स मैं तो जीत कोई भी कंटेस्टेंट जीतना ही चाहता था तो बुरा तो लगता है आपके एजेंडा जाने का जीतना था या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाना था बिल्कुल जीतना था मुझे लगा कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को समझाना था इसलिए जाना था देखिए ये बात मैंने बाहर भी बोली अंदर भी बोली है शो में भी बोली शो वालों को भी बोली है कंटेस्टेंट्स को भी बोली सलमान से भी बोली है बिग बॉस को भी बोली कि भाई मैंने दो दिन लिए ईशा का मैटर सॉर्ट करने के लिए हमारा मैटर जो था जो भी था क्लियर किया उसके बाद आपने प्रॉपर गेम खेली प्रॉपर मैं पूरा मेरा फोकस गेम पे था कि भाई अब यहाँ आ गया हूँ तो करूंगा अपना 100% दूंगा जान लगा दूंगा एक कसर नहीं छोड़ूंगा मैं जो बोलना है बोलूंगा नहीं बोलना नहीं बोलूंगा ठीक है अभिषेक के साथ एक फ्रेंडशिप भी देखने को मिली थी विद इन है ना बीच बीच में वो आया था सब कुछ लेकिन अभी फिर कैसा सीन है उसका इज इट Not that good relation with him okay. anymore or what? जो हुआ दोनों की गलती थी उसकी भी थी मेरी भी थी उसने भी गलत किया मैंने बहुत तो आने के बाद there's nothing you can see आने के बाद जब वापस आएगा वो घर से I don't know I mean let's see organically friendship होती तो ठीक है मैं तो of course मिलना चाहूँगा ऐसे कुछ दुश्मनी नहीं होगी कि भाई उसके सुपारी देनी पड़ेगी मेरे को ऐसा कुछ थोड़ी है वो है सुपारी आप चाहकर भी नहीं दे सकते जो भी है ठीक है ठीक है आपकी एक रील भी मैंने देखी मनारा वाली है ना दैट उसके कैप्शन वॉज लाइक कि असली दोस्त हैं हम है ना टाइप से ऐसा कुछ कैप्शन था तो वॉन्ट टू नो मनारा वैसे तो लोगों को बहुत फेक लगी है इन द गेम एक्सप्रेशन जो हैं वो बहुत जल्दी बदलते रहे हैं उनके फेक दिखी है हाँ मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि आई बिलीव शी इज़ फेक लेकिन आपने उसको दोस्त बना लिया तो क्या एक फेक को फेक दोस्त मिला है या वॉट इट इज़ अब अगर लोगों ने उसको फेक बोला है तो मतलब मुझे भी फेक बोला है तो लगा होगा कि हम दोनों फेक हैं बट मुझे वो फेकनेस बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी मतलब तो ईशा के बाद मनारा तो आपकी नेक्स्ट कुछ हाँ आई डोंट थिंक बट यू वोंट माइंड ईशा के साथ खुश हूँ और बहुत ही खुश हूँ मतलब
और कोई मुझे दिखता नहीं उसके अलावा, और अगर दोस्त कह सकता हूँ तो अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है ईशा से तो मनारा आपको मदद करती है, तो मनारा के साथ देयर वुड बी अ फ्यूचर यू विल? नो आई डोंट थिंक मेरा ईशा के साथ ब्रेकअप होगा, एंड जो चीज़ हुई नहीं है उस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। बट हाउ इज मनारा? शी इज एन इनोसेंट गर्ल विद अ लॉट ऑफ लाउड एक्सप्रेशंस एंड लाउड फीलिंग्स इमोशंस। ओके, अभिषेक कैसा लड़का है? आपने देखा है पहले दिन से वो दूसरों को मतलब बोलता है को? मैं देखो यार अंदर तो मैं सच बताऊं मैं जैसा भी था ना अंदर मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन निकली, जितने भी झगड़ों में मेरी फ्रस्ट्रेशन ही निकली है। अगर ऐसे नॉर्मली ऐसा होता तो मैं उसके साथ दोस्ती नहीं करता, जो दोस्ती भी थी बहुत ऑर्गेनिकली हुई थी। ओके है अभिषेक, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। ओके, बहुत सारी चीज़ों के चलते बहुत सारी ये भी बात आई थी। आई रिमेम्बर मैं जब ईशा की मम्मी के इंटरव्यू के लिए बात कर रहा था पीआर से, मैनेजमेंट से, तो उन्होंने बोला कि यार मम्मा बात नहीं करना चाहती बिकॉज शी डजंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड टॉक अबाउट व्हाटएवर वाज हैपनिंग व्हेन ईशा वाज इनसाइड द हाउस। ईशा की मम्मी से बात की थी मैंने कि आप इंटरव्यू दे दीजिए ना, वी नीड यू। तो उनकी टीम से मुझे हमेशा यही रिवर्ट आया कि यार ईशा के साथ जो चल रहा है वी डोंट वांट कि वो ट्रबल में आए। तो द रीज़न वॉज योर किसिंग्स विच वर हैपनिंग बहुत ही जल्दी। आपने तो इमरान हाशमी को फेल कर दिया, पीपल आर सेइंग दैट, सोच रहे इमरान हाशमी के साथ तेरे चुम्मे में चमन प्राश है शायद। तो वॉन्ट टू नो क्या था ये अंडर द शीट्स, अ लॉट ऑफ वेट साउंड्स हम सुन पा रहे थे। देखिए मेरे हाथ उठाओ यहाँ से, लेट मी, प्यार करने का तरीका है, आप अगर किसी से प्यार मौका है वारदात पर पप्पी हग किस या जो भी आप कहें इमरान हाशमी, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। मैं एक से ज्यादा लड़कियों को तो नहीं कर रहा था, कम से कम मैं एक ही लड़की को। क्या मुनावर की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी की भी बात करूंगा। ओके, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को कर रहा था किस और हग, और ये बोलते ना एक जरिया दिखाने का कि आप किससे प्यार करते हैं, बातों में आप बोलते हैं, आप अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, आप ऐसे करते हैं, आप हाथ पकड़ते हैं, किस करते हैं। तो मैं कम से कम, मेरे को ये है कि हाँ मैं बाहर भी ऐसा हूँ अंदर भी रियल था मैं। ओके, लेकिन साथ साथ जो चीज़ आपको लगता है गलत है? नो, मेरा तो कोई मैटर ही नहीं करता ना मेरा। हाँ यार मुझे नहीं लगता गलत है, क्योंकि रूल्स में ऐसा कुछ नहीं था कि आप किसी हग नहीं कर सकते। इट वॉज ऑल अलाउड, राइट? एक और चीज़, आप सिर्फ अंधेरे का वेट करते थे, जैसे वो एक सायरन बजा, धड़ 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 धड़, है ना, लाइट्स अप एंड डाउन हुई जा रही थी, फटाफट आपने पकड़ा ईशा को और आप शुरू हो गए, व्हाट वाज दैट? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैंने देखा नहीं है बट मेरे को अब समझ में आ रहा है। हाँ, सब लोग लिविंग रूम में आ गए थे। यस यस यस, मैं ना थोड़ा मस्ती घोर कर, मस्ती मतलब मेरे को पसंद है मस्ती करना, थोड़ा फन वन करना, तो जैसे लाइट वाइट बंद होती थी ना अपन स्कूल वगैरह में भी, या तो आप हमसे किसी स्कूल में भी किसी को मार दो या किसी को पकड़ लो, तो ये लाइट बंद हो रही थी जल्दी ऐसे करके, जैसे पापा भी आए थे ईशा के, तो मेरे पापा भी आए थे तो बाहर जाते मेरे, अरे पप्पी दे दे, पप्पी दे दे प्लीज यार। तो ऐसा वो क्या होता है ना, मस्ती होनी चाहिए रिलेशनशिप में, एक फन होना चाहिए। तो बोरिंग लोग मेरे को नहीं पसंद, अगर मैं खुद ही बोरिंग होना तो मैं खुद से ना रहा हूँ, मैं अकेला बोर नहीं होता कभी। ठीक है, अभिषेक ने मेरे इंटरव्यू में जाने से पहले ही बोला था कि मैं तो प्यार खुलम खुला करूंगा, सरेआम करूंगा, हालांकि खैर नहीं कर पाया, मिल नहीं पाया है ना। खानजादी के साथ भी शायद कोशिशें की हैं और मनारा के साथ भी शायद की हैं, आयशा के साथ भी शायद की हैं। मैं झूठी, मैं इतना नहीं बोलूंगा, अभिषेक ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, जो भी इसकी फीलिंग्स ईशा के लिए थी यह है, बट खानजादी के साथ उसका फन वाला था, वो कुछ वो नहीं था। एंड मनारा आयशा के साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये अगर होगा भी तो गलत है। आयशा भी उसकी दोस्त है, मनारा भी उसकी दोस्त है, ऐसा कुछ भी इंटेंशन ना मैंने देखा ऐसा कुछ। ठीक है, बिग बॉस का सबसे बड़ा इंसिडेंट जो आपको ताउम्र याद रहने वाला है वो कौन सा होगा आपके लिए? मेरी चोरियां। अरे अंदर कितनी बार बोल रहे थे कि भाई वो थप्पड़ वाली बात मत करो, ये समर्थ के लिए सेंसिटिव है, अभिषेक तो मैंने बोला भाई मेरे लिए नहीं है। ठीक है, मेरे लिए चोरियां सेंसिटिव है। ठीक है, दो चीजें मैं फटाफट से कवर करूंगा, एक तो यही कि हिंसा का जो शिकार आप हुए हैं वो वाज इट रॉन्ग, और डू यू थिंक आपकी भी गलती है उसमें? आपकी गलती है इसलिए, तो आपको कोई गुरेज नहीं है कि आपने खा भी लिया तो क्या बात है? दोनों गलत है। अगर मैंने जो हरकतें की, मैंने पोकिंग की, मैंने बोला, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन क्यों निकली, क्योंकि उसने कुछ किया, उसकी हरकतें थी, उसने ईशा को गलत बोला तो मेरे दिमाग में था इसलिए मैंने किया, टिट फॉर टैट होता है ना, तो वही था रिएक्शन पे मैंने रिएक्ट किया। लोग सालों भर तक बात नहीं बोलते, मैं चार हफ्ते पुरानी बात कैसे बोल जाऊँ? सिंपल, मैं गलत हूँ, बिल्कुल गलत हूँ, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया है, और मैं नहीं चाहता कोई और भी करे मुझसे प्रेरित हो। Very nicely handled the situation. Quickly, मैं नाम लूंगा लोगों के जो भी आपके मन में है, दिमाग में है, एक एक वर्ड में फटाफट से बता दीजिए। मनारा जी,
सॉरी एक एक करके नाम एक एक वर्ड में आपको बताया ना क्या क्या बनाना चुलबुली चिंटू चोर ईशा शाणी प्लेड विद योर हार्ट शाड़ा होने के लिए तो मैं भी शाड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ बन नहीं पा रहा बस मुनावर फालतू फालतू अच्छा फालतू अंकिता दिलदार विक्की दिलदार का इस्तेमाल करने वाला घरेलू घरेलू हाँ ओ वेरी नाइस किसी से भी फ्रेंडली हो जाए अभिषेक नकली उसको बोलता है नकली कुमार ठीक है साथ साथ आपने जिसको नकली बोला है ये चीज़ बोली जाती है कि उनके मेंटल हेल्थ को लेकर नहीं बोलना चाहिए था मैंने अभिषेक की मम्मी का भी इंटरव्यू भी किया था तो उन्होंने ये बोला कि मुझे ईशा का भी बहुत दुख लगा कि ईशा ने ये क्यों मेंशन किया जबकि ईशा ने तो उससे प्यार किया था दोनों के बीच एक रिश्ता था तब भी सबके सामने ये लेकर आना और बोलना क्योंकि इट वॉज नॉट गुड इवन यू मेंशन तीनों के बिहाव पे अब मैं ये चीज़ बिल्कुल बोल सकता हूँ तीनों के बिहाव पे अभी दोनों नहीं यहाँ पे फिर भी जो कुछ भी घर में हुआ तीनों के फ्रस्ट्रेशन बहुत तगड़े लेवल पे निकलती थी एक घर में आप बंद हो शक्लें देख रहे हो एक दूसरे की मेरी गर्लफ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड घूम रहा है लड़ाइयाँ होती तो जो भी बोला फ्रस्ट्रेशन में बोला अगर आप बाहर रोड पे पूछोगे भी ना एक बंदा एक दूसरे के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा गलत बट देन समर्थ वही तो चेक था ना जिसके लिए आप तीनों वहां पर गए थे आपको वहीं पर समझना अब मुझे बताओ या तो आप यहाँ पर रियल हैं या आप घर के अंदर रियल मुझे बताओ आप कहाँ पर रियल हैं आपने बोला है कि आपने अच्छा, गलत किया अगर उसने थप्पड़ मारा था वो भी तो रियल ही था उसको थप्पड़ मारना था बट रूल्स के अकॉर्डिंग वो चीज सही नहीं थी मैं भी वो चीज कर सकता था बट मैंने प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट थी मुझे इज्जत थी इसलिए मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग वर्बली जो बोल सकता था बोला गलत था जो मैंने गलत पे बात की मैंने गलत थी वो फ्रस्ट्रेशन में मैं बोल रहा था कि इसने ईशा के बारे में बोला तो तेरी बैंड ही बजाई मैंने ठीक है टॉप थ्री कौन है आपके ईशा मनारा अंकिता अभिषेक को आप देखते भी नहीं है टॉप थ्री में टॉप फाइव में देखता हूँ टॉप थ्री में नहीं ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मैसेज बिकॉज दे वांट टू सी यू मोर एंड मोर मैं ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग सपोर्ट आपकी बहुत सपोर्ट के लिए अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो मैं आई एम रियली सॉरी आपकी एक्सपेक्टेशंस में मैं खड़ा नहीं उतरा एंड जस्ट कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड आई लव यू थैंक यू सो मच बाय